रिलायंस जियो 15 अगस्त की तारीख को लॉन्च करेगा 5G देश भर में, ऐसी कुछ खबरें मार्केट में खूब तेजी से चल रही हैं। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज भी ऐसा कह रही हैं। क्यों? क्योंकि आकाश अंबानी जो कि इस समय चेयरमैन है जियो के, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, आइए एक्सपर्ट नजरिए से देखते हैं और समझते हैं क्या वाकई में 15 अगस्त की तारीख को, यानी कि आज से 13 दिन बाद लॉन्च हो जाएगा 5G जियो का पूरे देश भर में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीकॉम, टेक और मनी मेकिंग की वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। मुझको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके कि 5G लॉन्च होने वाला है जियो का, उसके बारे में बताइए, प्लान से कीमतें बताइए। मैं अपने एंड से पता किया और इवन काफी ट्रस्टेड सोर्स से पता किया तो पता चला ये खबर फेक है। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जो कि बेटे हैं मुकेश अंबानी के, इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया है, मैं पढ़ के फौरन सुनाता हूँ और स्क्रीन पे भी आप पढ़ सकते हैं। द स्पीड स्केल एंड सोसाइटल इंपैक्ट ऑफ जियोस 4G रोल आउट इज अनमैच्ड एनीवेयर वर्ल्ड नाउ विथ अ बिगर एम्बिशन एंड स्ट्रॉन्गर रिजॉल्व जियो इज सेट टू लीड इंडियाज मार्च इनटू द 5G एरा। इसमें कहा गया कि जियो तैयार तो है लेकिन कब तैयार है ये नहीं लिखा गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वी विल सेलिब्रेट आजादी का अमृत महोत्सव विद पैन इंडिया 5G रोल आउट, जियो इज कमिटेड टू ऑफरिंग वर्ल्ड क्लास अफोर्डेबल 5G एंड 5G एनेबल सर्विसेज। We will provide services, platform and solution that will accelerate India's digital revolution, especially in crucial sectors like education, healthcare, agriculture, manufacturing and e-governments and make another proud contribution to Honorable Prime Minister Digital India Mission. इसमें भी लिखा है कि Pan India 5G rollout होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं लिखा गया है। तो आप सब बिल्कुल भ्रम में न रहिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये पूरा साल है उसके बीच, और जियो के साथ करेंगे। जब भी 5G लॉन्च होगा तो एक साथ लॉन्च होगा पैन इंडिया में, जैसे 4G लॉन्च हुआ है। कहीं कहीं BSNL की तरह नहीं चालू होगा, इतना ही कहना है, आप सब कंफ्यूज ना रहे। 5G के लिए सबसे बड़ी बिडिंग की है जियो ने, लगभग 87,000 करोड़ की, एयरटेल ने 43,000 करोड़ की और VI ने 19,000 करोड़ की। तो यही खुशखबरी आपको आकाश अंबानी जी दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी भी तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। हमारे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।